गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मी शिवा चौधरी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। सो गाइज, आज मैं आपको बता दूं, आज हम जा रहे हैं चंडीगढ़, और चंडीगढ़ क्यों जा रहे हैं वो मैं आपको बताऊंगी व्लॉग के एंड में। तो गाइज, 11:49 की अपनी ट्रेन है और अभी बजे हैं, क्या बजा है, अभी बजे हैं 8। तो अभी ब्रेकफास्ट होएगा, नहाएंगे और घर की सफाई हो चुकी है। और किसने की है बता दो? घर की सफाई की है मेरे भाई ने, बहुत अच्छी सफाई करता है। कांटेक्ट करिए अगर आपको सफाई करानी है तो। बेइज्जती नहीं कर रही यार, बैन हुए तेरी। तो गाइज, अभी 11:49 की अपनी ट्रेन है और अभी बजे 8। और अभी ये जो मैंने आपको बताया ब्रेकफास्ट और ये सब करना है, तो अभी मैं कुछ खा लेती हूँ, मुझे भूख लगी है। और सो गाइज, मैं हो चुकी हूँ रेडी और मम्मी कर रहे हैं पूजा। मम्मी जैसे ही पूजा करेंगी और रेडी हो जाएंगी, मतलब नहा तो वो लिए ही हैं, उसके बाद हम एकदम से निकल जाएंगे, क्योंकि अभी बज रखे हैं, क्या बज रखा है, एक सेकेंड, 10 बज चुके हैं और 10 बज गए हैं, 10 बज गए हैं गाइज, और उसके बाद हम निकल जाएंगे मैं और मम्मी। और फिर आपको बताऊंगी कि हम चंडीगढ़ क्यों जा रहे हैं, मैंने आपको बोला था कि वो ब्लॉग के एंड में आपको बताऊंगी, तो स्टे ट्यून्ड गाइज। हम पहुंच चुके हैं रेलवे स्टेशन और गाइज, हम पहुंच चुके हैं स्टेशन और मेरा भाई मुझे छोड़ने आया है, हाँ से कैप लगा के आया है। और मम्मी पीछे धीरे धीरे। गाइज, मुझे ट्रैवल ना अब थोड़ा सा वो लगने लगा है, क्योंकि थकान बहुत होती है ट्रैवल में। सबसे ज़्यादा जो थकान होती है वो ट्रैवल में ही होती है। मम्मी धीरे धीरे आते हुए, ये चली जा रही है मेरी माता, माता श्री। हवा बहुत प्यारी चल रही है लेकिन यहाँ पे। हमारी ट्रेन आएगी अभी 15 मिनट में, 15 मिनट तक हमें वेट करना है, सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट। मैं यहाँ बैठा हूँ, देखो ना, इससे बैठने में बड़ा मज़ा आता है। मालगाड़ी मेरी है ये। गाइज, यहाँ पर जैसे कि मैं सोच रही थी कि बहुत गर्मी लगेगी, बट गर्मी बिल्कुल नहीं लग रही है, बहुत ही प्यारी, थोड़ी थोड़ी सी धीमे धीमे सी हवा चल रही है। मम्मी को देखो, भजन शुरू हो गए। मम्मी मम्मी मम्मी, बेइज्जती मेरी, घनघोर बेइज्जती। गाइज, हमारी ट्रेन लेट हो गई है, कम से कम 20 मिनट, नहीं सॉरी 30 मिनट्स, और पहले से ही वेट करके बैठे हैं यार, ये गलत बात है, बहुत ज़्यादा गलत बात है। गाइज, हमारी ट्रेन फिर से लेट हो चुकी है, मतलब सीरियसली, इससे तो अच्छा मैं सुबह वाली ट्रेन से चली जाती हूँ। गाइज, स्टिल वी आर वेटिंग, हम अभी तक वेट कर रहे हैं, अभी भी गाड़ी लेट है, आई थिंक इसके बाद है हमारी। सो गाइज, फाइनली हमारी गाड़ी की अनाउंसमेंट हो गई है। टाइम पास करने के लिए टॉपिक आ रही थी। सो गाइज, हमारी ट्रेन आ चुकी है, अब हम इसके ऊपर चढ़ जाते हैं। सो गाइज, आफ्टर 1 आवर्स, राइट, 1 घंटे के बाद ट्रेन आई है, और अभी 3 घंटे का ट्रैवल चंडीगढ़ तक, उसके बाद हम कभी जाके अपने
डेस्टिनेशन पर पहुंचेंगे, हमने होटल पहुंचेंगे, तो तब तक के लिए आप सिनेमैटिक व्यूज का मजा लें। गाइस अभी हो रही है बारिश, देखो 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 देखो, मजा आ रहा है। अभी बारिश आ रही थी ना, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था कि बारिश हो रही है, अभी देखो धूप आ गई है, मतलब बहुत तेज धूप लगी है, बहुत ज़्यादा तेज लगी है। गाइस चंडीगढ़ जाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, लेकिन 1.5 घंटे में इस ट्रेन ने अभी तक सहारनपुर पहुँचाया है। इट्स वेरी वेरी बोरिंग। हाय गाइस, तो मुझे ना बड़ी नींद आ रही थी, तो मैंने सोने का ट्राई किया, नींद गायब हो गई सोने के ट्राई पे। और इतना, मतलब इतना बोरिंग ट्रैवल मेरी लाइफ का आज तक कोई नहीं है जितना आज का है। सीरियसली, मतलब 11:40, 49, 43 या आई डोंट नो कितने की थी ट्रेन में, कोई याद नहीं है क्या बज रखा है। 3:40 अभी 3:30, 4:15 हो रहे हैं, और मतलब इतना गंदे वाला टायर्ड, और जाके बस वो तो मैं बाद में बताऊँगी क्या करने जा रही हूँ मैं चंडीगढ़। तो अभी मैं सोच रही हूँ मैं सो जाऊँ, भूख भी इतनी तेज़ लगी। फिर मैंने कुछ ख़रीदा था, बिस्किट खरीदे थे, ये पता नहीं कौन से ब्रांड के हैं, पता नहीं क्या है, तो इसको ख़रीदा था, इसको खा के मेरे को हेडेक हो गया, तो मुझे दवाई लेनी पड़ी। एक चीज़ खरीदी थी, मतलब मैं आप लोगों को ये रिकमेंड करूँगी कि कोई भी बिना ब्रांड के, बिना अच्छे ब्रांड की चीज़ें मत खाओ, मतलब ये चीज़ें आपको बहुत नुकसान पहुँचा सकती हैं। मुझे भूख लगी थी, मैंने सहारनपुर से ये लिया क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, बट ठीक है अभी ठीक हो गया है हेडेक, बट ये चल जाए बस एक इतना। अभी देखो अभी फिर से रुक गई। सो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं चंडीगढ़, और अभी अभी कैब करी है, अभी अभी हमारे कैब वाले भैया आए हैं, और अब जा रहे हैं हम लोग होटल। इतना लंबा ट्रैवल, ऐसा लग रहा है मैं कहीं और से ही आई हूँ, रुड़की से ना होकर के कहीं और से आई हूँ। तो अभी हम आपको मिलते हैं होटल जाकर। गाइस हमने चेक इन कर लिया है और हम आ गए अपने होटल, और अभी हम जा रहे हैं रूम के अंदर। मम्मी का चेहरा और मेरा चेहरा आप देख सकते हो कितना ऑयली हो चुका है ना। सो गाइस फाइनली एंटर कर दिया है रूम के अंदर, अभी मैंने चेंज करना है, उसके बाद रिकॉर्डिंग जाना है, और फिर जाना है मैंने जाना क्या सॉरी यहीं पर आएंगे मैं, हमारे मेरे कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर जो हैं गीत, वो यहीं पर आएंगी और ट्रायल लेना है। सो फाइनली मैं आपको बता देती हूँ मैं करने के आई हूँ। यस, तो मैं करने आई हूँ यहाँ पर शूट, कल मेरा ऑफिशियल गाने का शूट है, अभी तक हमने उसका नाम बुलेट रखा है, और बुलेट के अलावा हम क्या रखने वाले हैं नहीं पता, बट फिलहाल बुलेट रखा है, तो उसी का शूट है कल मॉर्निंग टू लेट नाइट, तो उसी के लिए मैं आई हूँ चंडीगढ़, और अभी मुझे फ्रेश होना है, आपको मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। सो गाइस मम्मी गए नहाने और मैं नहा चुकी हूँ, ऑर्डर की थी चाय पी रही हूँ थोड़ी सी थकान उतारने के लिए, और अभी उसके बाद मैं कुछ खाऊंगी क्योंकि मैंने कुछ नहीं खाया सुबह से। सो गाइस मम्मी की हालत देख सकते हो, मम्मी थक चुकी हूँ, मम्मी थक गए हो ना बहुत बहुत ज़्यादा। अभी मम्मी आराम फरमा रही हैं, और मम्मी का फास्ट भी है, तो अभी मम्मी के लिए हमने कुछ फास्ट का ही मंगाया है, मम्मी नमक नहीं खाती इसमें।
जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं यहाँ पर आई हूँ शूट के लिए, और उस शूट के जो हम गाना है बुलेट, उसमें थोड़ा सा कुछ चीज़ें मेरे को ऐड करनी है, लाइक थोड़ा सा एक दो वर्ड की चीज़ें हैं, तो उसको रिकॉर्ड करने मैं अभी जाऊँगी थोड़ी देर बाद, खाना खाने के बाद, और ट्रायल भी होगा मेरा ड्रेस। सो गाइस, लंच डिनर जो भी था सब कर लिया है। मम्मी का व्रत था तो मम्मी भी अब आराम कर रहे हैं थोड़ा। आर यू ओके मम्मी? सो गाइज, अभी बज रहे हैं रात के 11:30, और अभी मैंने रिकॉर्डिंग ख़त्म किया है, और ये कुत्ता मेरे पीछे पड़ गया है, दिखाती हूँ। सॉरी, ये किसी और के पीछे था, मेरे पीछे नहीं। बाय। अरे मैं होटल, और थक चुके हैं बहुत गंदे वाले, बट कोई नहीं, मेहनत करनी पड़ती है। सो गाइज, मैं आ चुकी हूँ होटल, और अब मैं जा रही हूँ अपने रूम में। सो आज का व्लॉग यही खत्म करते हैं। सो बाय बाय गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग, और कल का व्लॉग जरूर देखना, क्योंकि कल का व्लॉग बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। बाय।